हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक कोरोना की तीसरी लहर को आने में अब ज्यादा देर नहीं है। तीसरी लहर बच्चों को अब बचाने के लिए लगातार तैयारियां हो रही, क्योंकि तीसरी लहर बच्चों के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकती है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर कितना अलर्ट है, क्या कुछ तैयारियां हुई हैं या हो चुकी हैं, इसको लेकर हेल्थ मिनिस्टर जय प्रताप ने खास बातचीत की, सुनिए। एक्सपर्ट्स की माने तो कोरोना की तीसरी लहर जल्द ही आ रही है, ऐसे में स्वास्थ्य विभाग कितना प्रिपेयर्ड है, उसको लेकर के कितनी तैयारी की है, इसके लिए तमाम बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हेल्थ मिनिस्टर जय प्रताप जी। सर, एक्सपर्ट्स की माने तो कोरोना की लहर 3 हफ्तों में जो तीसरी वाली है वो आ रही है, इसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग और हॉस्पिटल कितनी तैयारी कर चुके हैं? ये तो लगभग 3 महीना पहले से ही हम लोग को संकेत मिलना शुरू हो गया था वैज्ञानिक और विशेषज्ञ के द्वारा कि ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 18 साल के नीचे के बच्चों को संक्रमण होने की बात है जो अब की तीसरी लहर जो आएगी, तो उसके कारण 3 महीने के अंदर हमारे सभी मेडिकल कॉलेजेस जो संचालित हैं उनके साथ जिला अस्पताल, उनके साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, इन सब पर पीडियाट्रिक ICU एंड उसका उपकरण जो साथ में है एंड पीडियाट्रिक डॉक्टर्स की ट्रेनिंग प्लस मेडिसिन की उपलब्धता, ये सब ऑलरेडी हम लोग ने तैयार कर लिया है। इसकी मॉनिटरिंग हम लोग की टीम 9 के अंतर्गत डेली मुख्यमंत्री के साथ होती है और इसको ये सुनिश्चित करते हैं कि ये पूरी तैयारी रख दें। इसके अतिरिक्त भी पहले से ही क्योंकि PM केयर फंड से सभी राज्यों को और हम लोग को भी उतने अनुपात में हम लोग को भी ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट्स बड़े हॉस्पिटल के लिए, मेडिकल कॉलेजेस के लिए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एंड CHC में हमारे माननीय सांसद माननीय विधायक के निधि के माध्यम से इन जगहों पर भी ऑक्सीजन प्लांट्स छोटे बड़े हर प्रकार के लग चुके हैं। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स भी काफ़ी मात्रा में CHC एंड PHC लेवल तक भी हम लोग ने पहुंचा दिया है, क्योंकि PM केयर फंड से मिला के और सबके सहयोग से CSR फंड ऑल्सो सब मिला के हमको काफ़ी चीज़ें मिल चुकी हैं। तो बिल्कुल तीसरी लहर का क्या स्वरूप होगा ये तो फिलहाल आने वाला समय बताएगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू हेल्थ मिनिस्टर अभी जैसे हमने सुना है कि ये जो पूरा स्वास्थ्य विभाग है वो तीसरी लहर को लेकर के पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड है और तैयार है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ मैं निकिता सरीन, इंडिया न्यूज के लिए।